الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله الحمد لله رب العالمين واجب الاحترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اس مبارک محفل میں میں آپ حضرات کے سامنے رمضان کے عنوان پر گفتگو کروں گا میں دعا کروں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ وہ مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کا مہینہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے یہ خیر و عافیت والا مہینہ ہے یہ جہنم سے خلاصی والا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلہا رمضان کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی رحمتیں کیا ہیں رمضان المبارک کیا ہے لتمنت امتی تو میری امت یہی تمنا کرے گی ان تکون السنۃ کلہا رمضان کہ کاش کے سارے کا سارا سال رمضان المبارک ہی رہے یہی وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے تورات کا نزول کیا اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے انجیل کا نزول کیا اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے زبور کا نزول کیا اسی کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید کا نزول کیا اسی مہینے کے اندر روزہ بھی ہے اسی مہینے کے اندر اعتکاف بھی ہے اسی مہینے کے اندر فطرانہ بھی ہے اسی مہینے کے اندر وہ رات ہے
कि जो हजार महीनों की रातों से अफजल है। इसी महीने को शहरुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह का महीना। और जिस चीज़ की निस्बत रब्बे कायनात के साथ जुड़ जाए, उस महीने की शान और असमत के क्या कहने। रमज़ान ये रमज से निकला है, और रमज कहते हैं जला देने का। मतलब इसका ये है कि रमज़ान मुबारक ये इंसान के गुज़श्ता तमाम गुनाहों को जला कर राख कर देता है, इसीलिए इसको रमज़ान कहते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह रमज़ान मुबारक के हर हर लफ्ज़ की तशरीह करते हुए फरमाते हैं, इन्ना रा रहमतुम मिनल्लाह, के रमज़ान में जो रा है उससे मुराद रब की रहमत बरस रही है। वल मीम मुहाबतुम बिल्लाह, और मीम से मुराद कि अल्लाह से मोहब्बत रखो और किसी से मोहब्बत ना रखो। वह ज़ाद ज़मानुम मिनल्लाह, रमज़ान में जो ज़ाद है उससे मुराद जहन्नम से ज़मानत वाला महीना ज़ामिन बनकर आ चुका है। वल अलिफ व उल्फतुम मिनल्लाह, और जो अलिफ है उससे मुराद कि अल्लाह को सिर्फ पुकारो, उसके अलावा किसी और को ना पुकारो। वन नून नूरुम मिनल्लाह, और नून से मुराद कि तुम अपने अंदर को पाक रखो, अल्लाह तुम्हारे दिल को अनवारात से भर देगा। रोज़ा ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है, कि जिसका इनकार करने वाला काफिर है और उसका कत्ल भी वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादत, अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलात व ईताइज़ ज़कात व हज व सौम रमज़ान, के इस्लाम की बुनियाद ये पांच अरकान पर है। नंबर एक कलमा तौहीद, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी पैगम्बर हैं। व इकामिस सलात, और नमाज कायम करना। व ईताइज़ ज़कात, और ज़कात अदा करना। वल हज, बैतुल्लाह का हज करना। व सौम रमज़ान, और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। इन पांच अरकान में से अगर किसी एक का भी इनकार किया जाए तो वह शख्स काफिर बन जाता है और उसका कत्ल भी वाजिब हो जाता है। जो इंसान रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया में ही पांच इनामात दे देते हैं। पहला इनाम, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के यहाँ मुश्क और कस्तूरी से भी पाक और साफ है। दूसरा इनाम, कि सुबह से लेकर रोज़ा खुलने तक समंदर के अंदर जितनी भी मछलियां हैं वो रोज़ेदार के लिए इस्तग़फ़ार करती रहती हैं। तीसरा इनाम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रोज़ जन्नत को मुज़य्यन करते हैं, अपने हाथों से जन्नत को तैयार करते हैं, जन्नत को सजाते हैं, और ये कहते हैं कि अंकरीब मेरा बंदा, मेरा नेक बंदा दुनिया की मुशक्क़त से आज़ाद हो जाएगा और इस जन्नत में आ जाएगा। और चौथा इनाम, कि सरकश शैतान को कैद कर दिया जाता है। और पाँचवा इनाम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने की आखिरी रात में तमाम मुसलमानों को बख्श देते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम वकाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, कि जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और क़ियाम किया ईमान की हालत में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीने मुकर्रर किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10वां सिपारा सूरह तौबा की आयत नंबर 58 में फरमाया, इन इद्दत शुहूर इंदल्लाह 12 शहर फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि जिस दिन रब्बे कायनात ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक की उसी दिन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीने मुकर्रर कर दिए। इंसान 11 महीने रब की रहमत को तलाश करता रहता है कि अल्लाह मुझे रहमत अता कर, अल्लाह मैं तुझसे तेरी रहमत का तलबगार हूँ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन यदखुलुल जन्नत बिअमली, कोई भी शख्स अपने आमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, वो रब की रहमत की वजह से ही जन्नत में जा सकता है। इसलिए अब रब की रहमत को तलाश किया करो। तो इंसान 11 महीने रब की रहमत को तलाश करता रहता है, लेकिन जो ही रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है
रब्बे कायनात फरमाते हैं कि इंसान तू 11 महीने मेरी रहमत को तलाश करता रहा है, अब तू रहमत को तलाश ना कर, मेरी रहमत तुझे तलाश करेगी। इस महीने के अंदर रब की रहमत इंसान को तलाश करती है। इस महीने के अंदर जो इतकाफ करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सियाम जुन्ना, रोज़ा ये ढाल है। क्योंकि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं कि रोज़ा रखते हैं सिवाय भूख के कुछ हासिल नहीं होता, रोज़ा रखते हैं सिवाय प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, तरावी पढ़ते हैं सिवाय थकावट के कुछ हासिल नहीं होता। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सियाम जुन्ना, रोज़ा ये ढाल है। इस तरह के रोज़ा ये इंसान को उसके बुरे आमाल से रोक देता है। जो रोज़ा इंसान को उसके बुरे आमाल से या गुनाहों से नहीं रोकता, उसको रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो रोज़ा इंसान को बुराई से रोक देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अस्सौम ली वाना अज़ज़ी भी वफ़ी रिवायतिन अस्सौम ली वाना उज़्ज़ा भी, कि रोज़ा मेरे लिए है, इसका बदला मैं खुद अता करूँगा। इंसान नमाज अदा करता है, सारे इंसानों को पता चल जाता है। इंसान ज़कात अदा करता है, लोगों को पता चल जाता है। इंसान तिलावत कुरान करता है, लोगों को पता चल जाता है। इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, लोगों को पता चल जाता है। लेकिन रोज़ा ये ऐसी इबादत है कि इंसान रखता है, किसी को पता नहीं चलता सिवाय रब्बे कायनात के। इसीलिए कल क़यामत का मैदान होगा, नमाजी आएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के हाथों उनको अजर सवाब अता कर देंगे। ज़कात अदा करने वाले आएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के हाथों अजर सवाब अता कर देंगे। हज करने वाले आएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के हाथों अजर सवाब अता कर देंगे। तिलावत कुरान करने वाले आएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के हाथों अजर सवाब अता कर देंगे। लेकिन जब रोज़ेदार की बारी आएगी, रब्बे कायनात फरिश्तों से कहेंगे कि ये फरिश्तों तुम साइड में हो जाओ, इस रोज़ेदार ने मेरे लिए रोज़ा रखा है और दुनिया में किसी को भी पता नहीं चला, तो इसका बदला भी मैं खुद अता करूँगा। अस्सौम ली वाना अज़ज़ी भी, इसका मैं बदला खुद अता करूँगा। और एक रिवायत में है वाना उज़्ज़ा भी, कि इसका बदला मैं खुद होऊंगा। यानी रब्बे कायनात रोज़ेदार को खुद बदले में मिल जाएंगे। और जिसको रब्बे कायनात मिल जाए, उसको और क्या चीज़ चाहिए। इसी महीने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतकाफ किया। इंसान इतकाफ करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतकाफ की वजह से उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। इंसान दिन में 5 नमाजें अदा करता है। एक मरतबा आया, फजर की नमाज अदा की, चला गया। जोहर की नमाज अदा की, चला गया। असर की नमाज अदा की, चला गया। मगरिब की नमाज अदा की, चला गया। इशा की नमाज अदा की, चला गया। तिलावत कुरान की, चला गया। जिक्र किया, चला गया। लेकिन जो ही एतकाफ करता है, तो इंसान रब्बे कायनात से कहता है कि रब्बे कायनात, मैं तेरे दरवाजे पर आकर बैठ गया हूँ और यहाँ से मैं उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक मुझसे तू राजी नहीं हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह हजीजुन करीमुन यस्तही मिन अब्दी इज रफा यदैहि अन यरुद्दहुमा सिहरा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बंदे से बड़ी हया करते हैं कि जब कोई बंदा रब्बे कायनात की बारगाह में हाथ उठाता है दुआ के लिए, तो रब्बे कायनात बंदे की हया करते हुए उसकी तमाम मांगों को पूरा कर देते हैं। इंसान एतकाफ़ करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस एतकाफ़ की वजह से उससे राजी हो जाते हैं। जब कोई बंदा काम करता है, तो इंसान सिर्फ उसके काम अदा करता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे राजी भी हो जाते हैं, साथ एक इनाम भी देते हैं। इनाम कौन सा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैं इंसान से राजी हो गया, लेकिन साथ इनाम दिया कि मैंने इसी आखिरी अशरे के अंदर एक रात ऐसी बना दी है कि अगर उस रात के अंदर इंसान एक सजदा करेगा, 1000 महीनों से वो सजदा बेहतर हो जाएगा। इंसान इबादत करेगा, 1000 महीनों से वो इबादत बेहतर, वो रात बेहतर हो जाएगी। वो लैलतुल कद्र की रात है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में उसको तलाश किया जाए। 21, 23, 25, 27 और 29 की रात में इसको तलाश किया जाए।
और जिस इंसान को वो रात मिल जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हज़ार महीनों की रातों से ज़्यादा सवाब अता कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, के हज़ार महीनों की रातों से वो रात अफजल हो जाती है। उस रात में फरिश्ते क्या करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तनज़्ज़ल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, कि उस रात के अंदर फरिश्ते और जिब्राइल अमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक इस दुनिया में आ जाते हैं और इस दुनिया में उस वक्त तक रहते हैं जब तक के सूरज फजर तुलू नहीं हो जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बावजूद अलीम बिज़ाति सुदूर होने के, सुबह फरिश्ते जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे पूछते हैं कि मेरा बंदा क्या कर रहा था, तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तेरा बंदा तेरी इबादत कर रहा था, तेरे सामने अपनी आजजी और बेबसी का जिक्र कर रहा था कि मैं बड़ा बेबस इंसान हो, अल्लाह मैं बड़ा नाफरमान इंसान हो, अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार इंसान हो, उसकी आंखों से आंसू जारी थे, अल्लाह वो तेरे लिए नवाफिल पढ़ रहा था, अल्लाह वो ज़कात अदा कर रहा था, अल्लाह वो इबादत कर रहा था, तो रब्बे कायनात फरमाते हैं कि फरिश्तों गवाह रहना मैं उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। इस रात को इतनी अजमत क्यों मिली? इस रात को अजमत इस वजह से मिली कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात के अंदर अपनी लारेब किताब को नाज़िल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह दुखान की आयत नंबर 3 में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कि हमने कुरान मजीद को एक मुबारक रात में नाजिल किया है, यानी लैलतुल क़द्र की रात में नाजिल किया है। ये कुरान मजीद ऐसी किताब है कि जो अपना तआरुफ़ भी खुद करवाती है। कुरान मजीद से अगर सवाल किया जाए कि ऐ कुरान तो किस महीने में नाजिल हुआ, तो कुरान खुद जवाब देता है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 184 में, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि मैं रमजानुल मुबारक के महीने में नाजिल हुआ। कुरान से सवाल किया जाए किस रात में नाजिल हुआ, तो कुरान जवाब देता है सूरतुल क़द्र की आयत नंबर 1 में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि मैं लैलतुल क़द्र की रात में नाजिल हुआ। कुरान से सवाल किया जाए कि तुझे नाजिल करने वाली जात कौन है, तो कुरान जवाब देता है सूरह शुअरा की आयत नंबर 192 में, वइन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, मुझे नाजिल करने वाली जात रब्बुल आलमीन की है। कुरान से सवाल किया जाए तो किस पर नाजिल हुआ, तो कुरान जवाब देता है सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 2 में, नुज़िला अला मुहम्मद, कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान से सवाल किया जाए तुझे लेकर आने वाला कौन है, कुरान जवाब देता है सूरह शुअरा की आयत नंबर 193 में, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, कि मुझे लेकर आने वाले रूहुल अमीन फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन है। ये कुरान बड़ी अजमतों वाली किताब है और ये रहमतों वाला महीना है। इस महीने के अंदर अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगनी चाहिए। इसलिए दुआ कर लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने के अंदर हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम इंसान हैं, हम ख़ताओं के पुतले हैं, अल्लाह हमसे जो गलतियां हो गई हैं अल्लाह तो अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह तो माफ़ करने वाले को पसंद करता है, अल्लाह अपनी रहमत से हमारे भी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह जो बीमार हाल है अल्लाह उनको सेहत कामला आजला नाफिया शाफिया मुस्तमीरा दायमा अता फरमा दे। अल्लाह इसी रहमत इसी महीने की बरकत से अल्लाह हम सबको कोरोना वायरस से निजात अता फरमा दे। अल्लाह हम जब तक इस दुनिया में रहे ईमान की हालत में रहे, जब हम इस दुनिया से उठाए जाए तो इस्लाम की हालत में हमारा उठना हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर रहीम।